एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर बैच वाइज डिटेल्स सीखेंगे, यानी बैच वाइज डिटेल्स कैसे बनाते हैं इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल्स से जानेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, जो कि यहां पर एक मैंने पीडीएफ फाइल तैयार कर रखा है। देखिए यहां पर है कि परचेज सेरिडॉन, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, परचेज सेरिडॉन 450 नोस फ्रॉम राज क्लिनिक। यानी राज क्लिनिक से क्या किया जा रहा है कि सेरिडॉन एक मेडिसिन है जो कि हम लोग परचेज कर रहे हैं, जिसका रेट है 4 रुपये प्रत्येक पीस और विथ बैच नंबर ST/103 हैविंग मैन्युफैक्चरिंग डेट 29/8/2019 एंड एक्सपायरी डेट 28/8/2021। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिया हुआ है तो ये डेट तो मेरा उसमें मेंशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टैली एजुकेशन है, एजुकेशन मोड में है, तो एजुकेशन मोड में आपका 1 तारीख और 2 तारीख ही लेता है, तो इसलिए ये डेट मेंशन नहीं होगा। लेकिन मैं दूसरा डेट इसमें डालूंगा जो कि आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये एक्सेप्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले टैली प्राइम पे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक मैंने कंपनी बना रखा है, तो सबसे पहले हम लोग एक्टिवेट करेंगे, यानी बैच वाइज डिटेल्स को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर F11 प्रेस कीजिएगा और इंटर करते हुए थोड़ा सा नीचे आइएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको इनेबल बैच वाइज डिटेल्स, इसको यस कर लेना है। और यहीं पर नीचे दिया हुआ है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इसको भी यस कर लेना है। यानी ये दोनों ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। किसमें आकर, तो F11 प्रेस करने के बाद इन्वेंट्री में आइएगा और यहीं पर आपको मिलेगा इनेबल बैच यस और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच, इन दोनों को यस कर लेना है। उसके बाद मैं इसको यस कर लेता हूं और सेकंड नंबर को भी यस कर लेता हूं। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हो गया एक्सेप्ट। अब चलते हैं लेजर बनाने। तो लेजर किस चीज़ का बनाएंगे, तो एक बनाएंगे परचेज का और एक बनाएंगे राज क्लिनिक का। तो चलिए क्रिएट के अंदर चलते हैं, क्रिएट लेजर, और यहाँ पर एक राज क्लिनिक, राज क्लिनिक, और यहाँ पर हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो सेंड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा मेंटेन बैचेस, इसको यस करते हुए जाइएगा आप लोग। यहाँ पर मेंटेन बैच बिल बाई बिल, इसको यस कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये एक्सेप्ट हो गया मेरा। उसके बाद एक परचेज का, और परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट, और यहाँ पर इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये भी बन गया। अब स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम आपका यहाँ पर है सेरिडॉन, यानी सेरिडॉन एक मेडिसिन है, उसको हम लोग को बनाना है। तो चलते हैं यहीं पर क्रिएट के अंदर ही, देखिए आप लोग इसी क्रिएट के अंदर ही जाएंगे और यहाँ पर नीचे स्टॉक आइटम दिया हुआ है, स्टॉक आइटम पे इंटर कीजिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा यहाँ पर सेरिडॉन, और यहाँ पर अंडर पूछ रहा है तो इसका ग्रुप हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर आप लोग क्रिएट शो कर रहा है इस साइड, देखिएगा अगर ध्यान से, तो यहाँ पर क्रिएट शो कर रहा है, क्रिएट पे इंटर कीजिएगा जाकर, तो ग्रुप आ गया डायरेक्टली क्रिएट करने के लिए। तो ग्रुप में आप लिख लीजिएगा मेडिसिन, क्योंकि ये दवा है तो इसलिए इसका ग्रुप मेडिसिन हो जाएगा, और एक्सेप्ट। फिर यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट के पास भी यहाँ पर देखिए क्रिएट शो कर रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्रिएट है, या तो इस जगह पे जहाँ जहाँ क्रिएट है इस जगह पे आप अल्ट सी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर NOS यानी इसका यूनिट हम लोग NOS में बना दिए, और एक्सेप्ट। और लास्ट ध्यान है आपको रखना है बैच वाइज डिटेल्स में, यहाँ पर आपको यानी बैच वाइज डिटेल्स में आपको इस ऑप्शन को यस करना है, मेंटेन इन बैच, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, क्योंकि जब तक ये यस नहीं कीजिएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं पूछेगा। यानी स्टॉक आइटम बनाते समय यहाँ पर मेंटेन इन बैचेस को यस रखना है, और मैं भी इसको यस कर ले रहा हूँ। यहीं पर 2 ऑप्शन और ओपन होगा, उसको भी आपको यस कर लेना है। देखिए ट्रैक डेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस कर लेते हैं, और यूज एक्सपायरी डेट, इसको भी यस कर लेते हैं। ये 3 ऑप्शन यस कर लीजिएगा, उसके बाद एक्सेप्ट।
बस सब सिंपल जाके एंट्री आपको करना है। चलते हैं भाउचर में, यहाँ पर भाउचर में आ गए, उसके बाद इंटर, और यहाँ पर परचेज कर रहे थे देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर परचेज हो रहा है तो हम लोग F9 ले लेंगे, F9 परचेज के लिए आ गया। इंटर करते हैं, यहाँ पर पार्टी नेम पूछ रहा है तो पार्टी नेम यहाँ से राज क्लिनिक, उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट नोट नंबर और पार्टी का डिटेल्स पूछ रहा है, तो आपके पास अगर है डिटेल्स तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, फिर पार्टी का एड्रेस है यहाँ पर पूछ रहा है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। उसके बाद परचेज लेजर, यानी परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो आइटम में है आपका सेरिडॉन, सेरिडॉन ले लीजिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है एक्टिवेट बैच, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है एक्टिवेट बैच, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, एक्टिवेट बैच, बैच नंबर, तो न्यू नंबर पे आपको इंटर करना है और बैच नंबर क्या डालना है वो मैं आपको इस क्वेश्चन से दिखा देता हूँ। देखिए बैच नंबर यहाँ पर है ST/103, तो ये बैच नंबर है मेरा, न्यू नंबर पे इंटर करके ST/103। उसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपका कितना है 450 पीस और रेट आपका है 4 रुपये, चलिए 450 और रेट 4 रुपये इंटर करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान से और देखें तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले बैच नंबर है, उसके बाद इसी के सामने आपका क्वांटिटी है, उसके बाद रेट है और यहाँ पर अमाउंट, उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर बैच नंबर के बाद मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, तो जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया है बैच नंबर, उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालिएगा, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग डेट और यहाँ पर एक्सपायरी डेट। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ 1/4 यहाँ पर 20 रहने देता हूँ, 1/4 20, और अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी डेट डाल सकते हैं 31/3 और कोई भी ईयर्स 21/22/23 3 साल 4 साल, जितना आपको बढ़ाना है एक्सपायरी डेट आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 24 कर देता हूँ, तो मैंने यह ले लिया और एंड ऑफ लिस्ट और इंटर करते हुए एक्सेप्ट अप कर देना है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस ले लेंगे, उसके बाद न्यू रेफरेंस में यहाँ पर नेम पूछेगा कि इनवॉइस नंबर दीजिए, तो मैं पार्टी का शॉर्ट नेम दे देता हूँ RC01, ये हो गया राज क्लिनिक 01। उसके बाद क्रेडिट डेट, तो क्रेडिट डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कोई क्रेडिट नहीं दिया है, तो ले लेंगे एक भी कोई डेट नहीं देंगे और इंटर करते हुए आगे बढ़कर एक्सेप्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन परचेज का हो चुका है। अब सेकंड नंबर पे आएंगे तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राइज द कैश सेल, यानी नगद सेल किया जा रहा है, इनवॉइस 300 नोट्स ऑफ सेरिडॉन, यानी यही आइटम क्या हो रहा है कि सेल किया जा रहा है 300 नोट्स 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यानी 4 रुपये हम लोग परचेज किए और 50 पैसे प्लस करके हम लोग सेल कर रहे हैं, और कितना 300 नोट्स, तो बैच नंबर ST/103, तो कैश सेल करेंगे। तो चलिए सेल में एंट्री मारते हैं, इसको सारा चीज़ हमारा बना ही है, तो भाउचर F8 पार्टी नेम में यहाँ पर कैश ले लेंगे क्योंकि हम लोग नगद सेल कर रहे हैं, तो पार्टी नेम कैश हो जाएगा, और इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर सेल लेजर, तो सेल का लेजर तो मेरे पास है नहीं, यहाँ पर क्रिएट पे शो कर रहा है कर्सर आपका, तो क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए या तो अल्ट सी भी कर सकते हैं क्रिएट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल, सेल का ग्रुप, सेल अकाउंट, और यहाँ पर आइटम पूछ रहा है तो आइटम आप लोग ले लीजिएगा सेरिडॉन, और जैसे ही सेरिडॉन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ST/01 पूछ रहा है, यानी यही नंबर का हम लोग सेल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो हाँ यहाँ पर शो कर रहा है कि बैच नंबर आपका ST/03 का, इसी का हम लोग सेल कर रहे हैं यही बैच नंबर का, तो अगर हम ये बैच नंबर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आ जाएगा। तो देखिए जैसे मैं बैच नंबर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आ चुका है, बस आपको क्वांटिटी 300 लिखना है और रेट 4.50, यानी 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से हम लोग सेल कर रहे हैं, बस यहाँ पर आ गया, इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए, एंड ऑफ लिस्ट, और इसमें आपका रेफरेंस नहीं खुलेगा क्योंकि ये नगद सेल है इसलिए, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ
और इस तरीके से दोनों क्वेश्चन मेरा बन चुका है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ है नीचे, ये रिपोर्ट के लिए है, तो ये आपका टैली ERP 9 का स्टेप है, यानी टैली ERP 9 पे अगर वर्क करते हैं तो उसके लिए ये स्टेप दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। टैली प्राइम में ये वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको अलग से कोई दूसरा स्टेप करना होगा, जो मैं कि अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।